एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत खुश होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। एज यू नो कि फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, नवरात्रे आने वाले हैं और उसके बाद दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, ये सब आने वाला है। इवन शादियों का भी सीजन शुरू होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे दो मोस्ट फेवरेट फेस पैक कम फेशियल्स। 10 मिनट्स में ये फेस पैक्स आपको फेशियल जैसा ग्लो देंगे। कहीं पार्टी पर जाना है, कहीं शादी पर जाना है या कोई फेस्टिवल है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना तो पार्लर जाने का और ना ही घर पर वो लंबे वाला फेशियल करने का, फोर स्टेप वाले फेशियल करने का, तो ये सिंपल से मिनी फेशियल्स आप कर लेना। आपको इतना प्यारा ग्लो मिलेगा जैसे कि आपको पार्लर में, सैलून में किए गए महंगे से महंगे फेशियल से भी नहीं मिलेगा। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इनके एंड आपकी स्किन ग्लास लाइक ग्लो करती है। ये फेशियल्स आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करते हैं और साथ ही साथ फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी रिले करते हैं। ग्लो तो एकदम बहुत ही प्यारे वाला आता है, सभी स्किन टाइप्स वालों को सूट करेंगे ये दो मिनी फेशियल्स और साथ ही साथ खर्चा कुछ भी नहीं आएगा। सारी चीज़ें आई एम श्योर आपके घर पर ही होंगी। तो चलिए आपको पहले फर्स्ट फेशियल बताती हूँ। वेल, इस फेस पैक कम फेशियल को करने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है मेथी दाना, जो कि हम सबके घरों में होता है। मेथी दाना प्रोटीन का खजाना होता है, नेचुरल कोलाजन होता है इसके अंदर एंड ये आपकी स्किन की डेड लेयर को भी उतारता है, ग्लो भी लाता है, रिंकल्स को भी रिले करता है, आपकी स्किन को फेयर भी बनाता है और बहुत ही अच्छे अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स देता है आपके फेस पर। तो आप लेंगे एक चम्मच मेथी दाना, उसमें जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट आप ऐड करेंगे वो है चार बादाम। बादाम विटामिन ई का खजाना होते हैं और आपकी स्किन को फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे ग्लो बहुत अच्छा आता है और स्किन रिजुविनेट भी होती है। तो दोनों को आप मिला करके अच्छे से पीस लेंगे और एक महीन पाउडर बना लेंगे। कुछ इस तरीके का पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप इस पाउडर में दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कर्ड यानी कि दही, दो चम्मच दही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और सेकंड चीज़ जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है एक चम्मच शहद। शहद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा और दही आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगी। लैक्टिक एसिड होता है दही में, इसलिए दही आपकी स्किन को फेयर भी बनाएगी और आपके पोर्स को भी टाइट करेगी। और लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये सिर्फ पांच इंग्रेडिएंट्स हैं जो आई थिंक हम सबके घर पर होंगे और बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और ये अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा पैक बन करके तैयार हो जाएगा। इसे लगाना और उतारना अच्छे से देख लीजिए। आप इसे हाथ से ही लगाएंगे, ब्रश से नहीं लगाएंगे ताकि आपके डीप पोर्स तक पेनिट्रेट हो सके। दूसरी चीज़, लगा करके आप दो तीन मिनट के लिए मसाज करेंगे। मसाज में क्या होगा, क्लेंजिंग स्क्रबिंग हो जाएगी और जब पैक लगा रहेगा आपका तो फिर वो क्रीम और पैक का काम करेगा। ठीक है, तो एक दो तीन मिनट के लिए मसाज अच्छे से कर ले, सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ। प्रेशर पॉइंट्स अगर नहीं पता दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज ऑन योर चिन, देन ऑन योर लिप कॉर्नर्स, देन आपके लिप्स के सेंटर में है एक पॉइंट, नोज के दोनों तरफ है, आईज के दोनों तरफ है और फिर माथे के बीचों बीच और आपके आईब्रोज के कॉर्नर में है एक प्रेशर पॉइंट और एक है कान के पीछे। इस तरह से सारे प्रेशर पॉइंट्स दबाते हुए आपने मसाज करनी है। टैपिंग पिंचिंग ज़रूर करनी है। ये सब चीज़ें कर ली आपने, दो मिनट लगा लिए, तीन मिनट लगा लिए, उसके बाद इस पैक को आपने 10 मिनट के लिए लगे रहने देना है। राइट, 10 मिनट के बाद आप लेंगे थोड़ा सा दूध। दूध रॉ भी ले सकते हो, कच्चा भी ले सकते हो। अगर कच्चा दूध नहीं है, रॉ दूध नहीं है तो आप फ्रिज में रखा हुआ चील्ड मिल्क भी ले सकते हो, ठंडा होना चाहिए मिल्क बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा कॉटन बॉल डुबोएंगे इस तरीके से और फिर हल्की हल्की मसाज करेंगे। नीचे से जो ग्लो आएगा उसे खुद देख के आप हैरान हो जाओगे। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी स्किन हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लाइटें मारेगी। और ये फेस पैक कम फेशियल करने के बाद आई एम श्योर सभी आपसे पूछने वाले हैं कि आज फेस पर क्या किया है, फेस पर बहुत ग्लो आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हुआ एक फेस पैक कम फेशियल जो कि बहुत सस्ते में बिना किसी खर्चे के हो गया और रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं इसके। अब दूसरे फेशियल के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपका एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है श्रुति,
उन्होंने मुझसे पूछा है कि पूजा, मॉनसून सीजन अभी अभी गया है और स्किन को बहुत डल करके गया है, बहुत ज़्यादा स्किन डिहाइड्रेटेड हो गई है, स्किन का ग्लो बिल्कुल चला गया है, तो मैं क्या करूँ? फेस्टिव एंड मैरिज सीजन के लिए मैं अपनी स्किन को कैसे प्रेप करूँ? हो सकता है श्रुति की तरह आपकी भी यही क्वेरी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये दो फेशियल जो मैं आज आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये आप करने शुरू कर दीजिए, वीक में एक एक बार दोनों कीजिए। साथ ही साथ डलनेस को दूर करने के लिए डेली बेसिस पर हल्दी, केसर, बेसन, ये सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी होती हैं, तो उनका उपयोग कीजिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ रेडीमेड सोल्यूशन फॉर दीज नेचुरल थिंग्स, देन यू कैन यूज मामा अर्थ उपटन फेस सिरम। ये आपकी स्किन की डलनेस को दूर करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, टैनिंग को रिमूव करता है और साथ ही साथ स्किन से पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है। इसमें है टर्मरिक एंड सेफ्रन। टर्मरिक आपकी स्किन पर गोल्डन ग्लो लेकर के आती है और सेफ्रन आपका रंग निखारता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। मामा अर्थ उपटन फेस सिरम में टर्मरिक और सेफ्रन के साथ साथ ओट्स और सोयाबीन एक्सट्रैक्ट भी है, यानी प्रोटीन की, कोलेजन की डोज देता है आपकी स्किन को, जिससे आपकी स्किन की एजिंग डिले होती है। वेल, ये पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। एक ही बार में जब आप लगाते हैं तो आपको खुद आपकी स्किन स्मूथ लगती है, ब्राइट लगती है, फ्रेश लगती है, ग्लो बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, ये 24 आवर्स तक हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। इस सिरम को यूज़ करने के बाद आपको कोई भी ऊपर से क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिरम ही काफ़ी है। 24 आवर्स तक आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक रखेगा ये। तो इस तरीके से 3-5 ड्रॉप्स इस सिरम की आप लेंगे और आपके फेस और नेक पर अप्लाई करेंगे, अपवर्ड मोशन में मसाज करेंगे एंड दिन में 2 बार आप इसे यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपकी स्किन ब्राइट होगी। मामा अर्थ उपटन रेंज में 2 और प्रोडक्ट्स भी हैं जिन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ मामा अर्थ उपटन फेस वॉश, जिसमें है टर्मरिक एंड सेफ्रन। डेली बेसिस पर ये आपकी टैन रिमूव करेगा, स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। दिस इज मामा अर्थ उपटन क्लेंजिंग मिल्क, दिस इज फॉर जेंटल क्लीनिंग। आपको मेकअप रिमूव करना है तो आप इससे कर सकते हैं, साथ ही साथ रात को सपोज आपका मन नहीं कर रहा फेस वॉश करने का तो भी आप सिर्फ इससे क्लीन करके और फिर सिरम लगा करके सो जाइए, आपकी स्किन बहुत ही प्यारी हो जाएगी, सारा टैन रिमूव होगा, स्किन का ग्लो भी बढ़ेगा। वेल, मामा अर्थ के ये तीनों प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे मामा अर्थ की वेबसाइट पर, अमेजोन पर, नायका पर, फ्लिपकार्ट पर। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही साथ इसे अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से खरीदते हैं तो कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, उससे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। कूपन कोड है पूजा 2021, जिसे मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। मामा अर्थ की ऐप से भी आप इन सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं। वेल, मामा अर्थ प्रोडक्ट्स तो अच्छे बनाता ही है, पेड़ भी लगाता है। मामा अर्थ का एक इनिशिएटिव है, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री ऑन देयर वेबसाइट एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड दूसरी चीज़, मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं, तो सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स तो हुए डेली यूज़ के, अब बढ़ते हैं मेरे सेकेंड मिनी फेशियल की तरफ, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन को फेस्टिव ग्लो देने के लिए। इस फेशियल को करने के लिए आप लेंगे फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल होते हैं, प्रोटीन का खजाना होते हैं, स्किन को गोरा बनाते हैं, फेयर बनाते हैं, नेचुरल कोलेजन एंड नेचुरल ग्लूटाथियोन प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर। 1 चम्मच फ्लैक्स सीड लिए, 1 चम्मच लेंगे मसूर की दाल, जो टैन रिमूव करती है, डलनेस दूर करती है और स्किन पर बहुत ही प्यारा ब्राइटनिंग इफेक्ट लेकर के आती है। इन दोनों चीज़ों को आप पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, नींबू सूट नहीं करता तो आप टोमेटो का जूस इसमें ऐड करेंगे एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा हनी। ये सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और ये स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक कम फेशियल रेडी है। इसे भी इस तरीके से अपने फेस पर लगाएंगे, सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे 1-2 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद ही जब आप इसे दूध से मसाज करोगे तो देखना आपकी स्किन अंदर से कितनी निखरी लगेगी, कितनी जवान लगेगी और कितनी खूबसूरत लगेगी। इस तरह से मिल्क से मसाज करने के बाद आप इस फेस पैक को वॉश कर लेंगे पानी से। जब भी ये दोनों फेस पैक यूज़ करें तो आपको 12 आवर्स तक साबुन या फेस वॉश
या क्लेंजर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पानी से धोना है अपने फेस को। और साथ ही साथ ये फेस पैक्स आपकी स्किन को हल्का हल्का ब्लीच भी करेंगे, ब्लीचिंग इफेक्ट भी देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। बाय बाय।